क्या पतंजलि ने कोई गलत काम किया? आचार्य बालकृष्ण जी ने और स्वामी रामदेव जी ने कुछ गलत किया है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्यों फटकारा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों चल रहा है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और पीआईएल फाइल करके कहा कि पतंजलि 1954 में बने हुए कानून को नहीं मान रहा है। 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था, और इस कानून में लिखा है कि अंधापन, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन, माहवारी, प्रोस्टेट, बुखार, मिर्गी, पथरी, ग्लूकोमा, दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, पागलपन, कोढ़, मोटापा, लकवा, न्यूमोनिया, नपुंसकता, बाजपन, टीबी, ट्यूमर, अल्सर, ऐसी 54 बीमारियों का कोई प्रचार नहीं कर सकता। याद रखिए, यह कानून बना था 1954 में, नेहरू जी ने बनाया था। यह कानून क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि उस समय नीम हकीम खतरे जान टाइप के लोग जगह जगह प्रचार करते थे, बोर्ड लगा देते थे कि हम कैंसर भी ठीक कर देंगे, हम बाजपन भी ठीक कर देंगे, हम नपुंसकता भी ठीक कर देंगे। उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। दूसरा पर्पज इसका क्या था कि एलोपैथी में इन बीमारियों का इलाज नहीं है। इन बीमारियों का, बाजपन का, नपुंसकता का, अंधेपन का, बहरेपन का, कोढ़ का, मोटापे का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, इन बीमारियों का जितना बढ़िया इलाज एलोपैथी में है, योग प्राणायाम में है, नेचुरोपैथी में है, उतना इफेक्टिव इलाज एलोपैथ में नहीं है। इसलिए कानून बनाया गया, और यह कानून कहता है इन 54 बीमारियों का कोई प्रचार प्रसार नहीं करेगा। अब चूंकि रामदेव जी इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, पतंजलि में इन बीमारियों का इलाज हो रहा है, पतंजलि में कैंसर का भी इलाज हो रहा है, मोटापे का भी इलाज हो रहा है, बाजपन का भी इलाज हो रहा है, नपुंसकता का भी इलाज हो रहा है, यह जो 54 बीमारियां इसमें लिखी हुई हैं, इन सभी बीमारियों का गारंटी के साथ पतंजलि में इलाज हो रहा है। और हो रहा है तो जिनका इलाज हुआ है वो खड़े हो आके बता रहे हैं आज हम ठीक हो रहे। उसी बात को पतंजलि प्रचार करती है। बाबा रामदेव जी अपने कार्यक्रम में बोलते हैं, हां भाई हम इसका गारंटी इलाज करते हैं, लेकिन कानून कहता है कि आप इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, इन बीमारियों के बारे में आप सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते हम गारंटी के साथ इलाज कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं, न रामदेव जी ने कोई गलत किया है, न बालकृष्ण जी ने कोई गलत किया है, न पतंजलि ने कुछ गलत किया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि आप इन 54 बीमारियों का प्रचार नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पढ़ रहा है और पढ़ने और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इस कानून में लिखा हुआ है, यह कानून अभी तक बदला नहीं किया, कानून अभी तक लागू है 1954 वाला, इसलिए आप प्रचार कैसे कर सकते। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कानून को पढ़ रहा है, दूसरी तरफ रामदेव जी कह रहे हैं हम इलाज कर रहे हैं इसलिए हम इसको प्रचारित कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आके सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है कि ये जी कानून का वायलेशन हो रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो लॉजिकली तीनों ठीक है। आईएमए भी कह रहा है भाई कानून में लिखा हुआ है प्रचार नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है हां जी कानून में लिखा हुआ है कि आप इन 54 बीमारियों का प्रचार नहीं करेंगे, और रामदेव जी भी ठीक है क्योंकि इन 54 बीमारियों का इलाज वो कर रहे हैं गारंटी के साथ कर रहे हैं। तो मूल कारण है यह घटिया कानून। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। रामदेव जी ने करोड़ों लोगों का इलाज किया है, करोड़ों लोग उनको सुबह आस्था पे देख के ठीक हो चुके हैं, करोड़ों लोग पतंजलि गए भी नहीं है, वो घर बैठे सुबह 5 बजे आस्था खोलते हैं, 7-7:30 तक आस्था देखते रहते हैं और कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग प्राणायाम करते रहते हैं, उसी से अपनी बीमारी ठीक कर लेते हैं। मैंने तो देखा है कि ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज जहां पे एलोपैथी में कहीं है ही नहीं है। और मैं अपना उदाहरण देता हूं, मेरे पिताजी का घुटना खराब हो गया, मैंने दिल्ली एम्स में दिखाया, उन्होंने कहा घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने बोला घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मैं अपने पिताजी को हरिद्वार ले गया पतंजलि, 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गए, 2 साल बीत चुका है, बढ़िया चल रहे हैं, साइकिल भी चला लेते हैं, आराम से बैठ भी जाते हैं, इंडियन टॉयलेट में बैठ लेते हैं, वेस्टर्न तो छोड़िए इंडियन में भी बैठ लेते हैं, और घुटना ट्रांसप्लांट भी नहीं कराना पड़ा। अब ये सोचिए, अगर हमने तो यहां दिखा लिया, एम्स में दिखा लिया, राम मनोहर लोहिया में, वो गांव के गरीब आदमी, हर व्यक्ति को एम्स में नहीं जा सकता, हर आदमी तो करोड़ लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए नहीं खर्च कर सकता ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो वो क्या करता है,
वो योग प्राणायाम के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए आस्था टीवी चैनल को देख के वहीं से अपना इलाज कर रहा है। दुनिया की सबसे बढ़िया जो रिसर्च सेंटर है वो पतंजलि ने खोला है, 500 से ज्यादा उनके पास रिसर्च पेपर है, 1200 से ज्यादा डॉक्टर पूरे देश में उनके लिए इलाज भी कर रहे, सब कुछ है। और इसके बाद भी जब वो कह रहे हैं कि हां मैं इलाज कर लेता हूं, पेपर में ऐड दे रहे हैं कि मैं गारंटीड इलाज करता हूं, तो उनको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कानून के खिलाफ आवाज उठाइए। और यही कानून नहीं, जो भी 25 साल से ज्यादा पुराने कानून हो सबको रिव्यू करना चाहिए, जो भी सन 2000 से पहले बने कानून है सबको रिव्यू करने की जरूरत है। आखिर सड़क नहीं बन सकती, एयरपोर्ट नया बन सकता है, हर चीज का मॉडिफिकेशन हो सकता है, स्कूल नए बन सकते हैं, तो कानून नए क्यों नहीं बन सकते? हम 21वीं शताब्दी में 2024 में 2023 में ये 1954 वाला कानून क्यों लेके चल रहे हैं? 1954 में चलो मान लेते हैं उस समय रिसर्च नहीं हुआ था, 1954 में कोई ऐसा भारत में योग संस्थान नहीं था जो इन बीमारियों का इलाज करने वाला था, लेकिन आज की डेट में तो पतंजलि है और भी कई सारे योग संस्थान है जो नेचुरोपैथी के जरिए इन बीमारियों का इलाज करते हैं, आयुर्वेद के जरिए इन बीमारियों का इलाज करते हैं। इसके बाद अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं इलाज कर रहा हूं तो उनको नोटिस आ रही है। और अब तो हद ये हो गई है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करता है और पीआईएल उसके बाद उसकी पिटीशन एडमिट भी होती है और बाकायदा रामदेव जी को और आचार्य बाजकी जी को बाकायदा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी चलने लग गया। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाइए। ये 1954 में जो नेहरू जी ने कानून बनाया था ये योग नेचुरोपैथी आयुर्वेद को खत्म करने के लिए बनाया था। अगर ये कानून नहीं खत्म बदला गया तो योग नेचुरोपैथी का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम तो इसमें इंडियन है, एक्चुअल में ये इंडियन मेडिकल सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं, अपने आप में ये सिंथेटिक ड्रग एसोसिएशन हो चुका है। कहने को इसका नाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है लेकिन जितना इंडियन मेडिकल सिस्टम है, योग है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, कभी ये उसका प्रचार प्रसार नहीं करता, हमेशा उसको खत्म करने की कोशिश करता है। और अगर कोई संस्था, चाहे वो पतंजलि हो या कोई और संस्था हो या कोई व्यक्ति आचार्य बालकृष्ण हो या स्वामी रामदेव हो, जब वो आयुर्वेद के लिए आगे आते हैं, नेचुरोपैथी को बढ़ाने के लिए आगे आते हैं, आयुर्वेद को अपना योग प्राणायाम को आगे के जरिए इलाज करना शुरू करते हैं, तब ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आके विरोध करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लगता है कि अगर इसी तरीके से योग प्राणायाम का प्रचार होता रहा, नेचुरोपैथी का प्रचार होता रहा, तो धीरे धीरे ये जो एलोपैथी का जो लाखों करोड़ का बिजनेस है, जो सिंथेटिक दवाइयों का, जो अंग्रेजी दवाइयों का जो लाखों करोड़ का बिजनेस है, ये कम होना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है, सिंथेटिक ड्रग मैन्युफैक्चरर, उनका तो मेन धंधा है कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी हो और ज्यादा से ज्यादा उनकी दवाई बिके। जबकि दूसरी तरफ रामदेव जी अपने योग प्राणायाम के जरिए कह रहे हैं कि योग प्राणायाम करते रहो तुम बीमार होगे नहीं। दोनों के अप्रोच में अंतर समझिए। एक तरफ योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए, नेचुरोपैथी के जरिए बाबा रामदेव जी फ्री में लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं, सबको मोटिवेट भी कर रहे हैं कि योग करो, प्राणायाम करो, जिससे बीमार मत हो। वहीं दूसरी तरफ जितनी मेडिकल कंपनियां हैं, फार्मा कंपनियां हैं, इनकी पूरी सेल्स की टीम है, इनकी मार्केटिंग की टीम है, वो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा उनकी दवाइयां बिके। तो ये एक तरीके से अपने आप में ये फार्मा और फार्मा कंपनियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि किसी भी तरीके से योग प्राणायाम को दबा दिया जाए, पतंजलि को दबा दिया जाए, बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण जी को दबा दिया जाए। और उसके बाद उनका जो चल रहा है एक तरफा खेल, एक छत्र राज जो उनका चल रहा है वो चलता रहे। आप लोग भी इस ड्रग एक्ट के खिलाफ आवाज उठाइए। और अगर सरकार इस कानून को नहीं बदलेगी तो मैं इसको चैलेंज करूंगा। ये पूरी तरीके से भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। मैं सभी भारत के योगाचार्यों से निवेदन करता हूं, सभी भारत में जो लोग नेचुरोपैथी के समर्थक हैं, जो लोग स्वदेशी चिकित्सा के समर्थक हैं, उन सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस ड्रग एक्ट के खिलाफ आवाज उठाइए, इसको बदलने की मांग करिए। अगर भारत में भारतीय चिकित्सा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, अगर भारत में योग प्राणायाम का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो विदेश में थोड़ी होगा। और वैसे भी जब हमारी चिकित्सा व्यवस्था इतनी बढ़िया है तो हम उसका प्रचार प्रसार क्यों ना करें। हम धनतेरस मनाते हैं धनवंतरी जी के जन्मदिवस पे, धनवंतरी जी की जयंती पे धनतेरस मनाते हैं, लेकिन जब
आयुर्वेद का प्रचार करने की बात हो रही है, जिन्होंने हमें भगवान धन्वंतरी ने हमें आयुर्वेद दिया, नेचुरोपैथी दिया, तो तब हमें लगातार दबाया जाता है और कहता है नहीं आपका आपका सिस्टम ठीक नहीं है, और ये कानून कहता है प्रचार भी नहीं कर सकते। मेरा आपसे निवेदन है इस कानून को बदलने के खिलाफ आवाज उठाइए। महाघटिया कानून है 1954 का, नेहरू जी ने इसको बनाया था केवल इसी काम के लिए कि भारतीय चिकित्सा व्यवस्था खत्म हो जाए और विदेशी चिकित्सा व्यवस्था जो सिंथेटिक ड्रग वाली कंपनियां हैं उनका यहां भारत में बोलबाला चले, उनकी दवाइयां बिकती रहें।